डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर इंटरव्यूज में कहीं पर भी पूछ ले, तो ये जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दीज आर मोर देन सफिशियंट फॉर यू। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में एक लाइन में पूछ ले कि भैया एक लाइन में डिफरेंस बता दो, तो सिंपल सी बात है कि व्हाइट बॉक्स ऐसी टेस्टिंग जिसके अंदर आप जिस चीज को टेस्ट कर रहे हो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब वो कैसे बना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स से सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो उस सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इंटरनल स्ट्रक्चर में चाहे आप डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लो, एरेज की बात कर लो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात कर लो, मतलब आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिंपल इनपुट देनी है और ये चेक करना है कि क्या आउटपुट प्रॉपरली आ रही है, सही आ रही है या नहीं आ रही। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो इसीलिए हम यहां पे बोलते हैं कि जो टेस्ट करने जा रहा है उसको पता होना चाहिए व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करेगा, क्या किस चीज के लिए बना है और वो कैसे काम करेगा। दोनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ब्लैक बॉक्स में हम बोलते हैं व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू बट नॉट इज हाउ इट डज, मतलब क्या करेगा ये पता है लेकिन कैसे काम करता है ये नहीं पता। तो दिस इज व्हाट द ब्लैक बॉक्स। आप सिंपल सी एग्जांपल से समझ सकते हो कि आप लेट से कोई कार को टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हो, आपको कार चलानी आती है, आप उसको सिर्फ टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हो, तो दैट इज व्हाट द सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स। आपने उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंजन कैसे काम कर रहा है, एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कूलिंग कैसे, इंटरनल के बारे में कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज व्हाट अ ब्लैक बॉक्स। लेकिन व्हाइट बॉक्स के अंदर आप बोल सकते हो कि ऐसी टेस्टिंग जिसके अंदर जो आप कह सकते हो एक तरह से जिसने वो डेवलप की है चीज वो खुद अगर टेस्ट करे, तो दैट इज व्हाट द व्हाइट बॉक्स। तो इसीलिए द डेवलपर कैन परफॉर्म द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और यहां पे टेस्ट इंजीनियर मतलब एटलीस्ट टेस्टिंग की तो नॉलेज होनी चाहिए। भाई कार वाले एग्जांपल में बात करूं तो भैया पहले कार तो चलानी आनी चाहिए, ऐसा बंदा ना पहुंच जाए टेस्ट ड्राइव करने जिसको कार ही नहीं चलानी आती। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं टेस्ट इंजीनियर मतलब जो इंजीनियर्स जिनको टेस्टिंग की नॉलेज है वो टेस्ट करते हैं, लेकिन उनको इंटरनल स्ट्रक्चर से, प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये होती है आपकी ब्लैक बॉक्स। देन टू परफॉर्म द व्हाइट बॉक्स वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग। ऑब्वियसली यार, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, आप डेटा स्ट्रक्चर एरेज की बात कर रहे हो, आप कंट्रोल स्टेटमेंट, तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए, लैंग्वेज की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप उसका इंटरनल पार्ट को चेक कर सकते हो। लेकिन यहां पर देर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दिस वी विल लुक इन टू द सोर्स कोड एंड द टेस्ट द लॉजिक ऑफ द कोड। हम उसके अंदर सोर्स कोड को चेक करेंगे, उसका लॉजिक जो है वो चेक करेंगे कि कैसे लॉजिक बिल्डिंग हुई है। यहां पे हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक करना है, प्रोडक्ट को चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड कर सके। देन इन दिस द डेवलपर शुड नो अबाउट द इंटरनल डिजाइन। वही चीज घुमा घुमा के जहां पे भी आप देखोगे ना, मैंने आपको एक लाइन में ही डिफरेंस जो है वो क्लियर कर दिया, तो ये लाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वही चीज है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पे पता होनी चाहिए, यहां पे नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज यहां पे होनी चाहिए, यहां पे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट डिजाइन टेक्निक, हाँ ये भी नोट कर लो, व्हाट आर द वेरियस टेस्ट डिजाइन टेक्निक इन द व्हाइट बॉक्स, कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, ब्रांच टेस्टिंग, स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन, इनको मैं एक एक को अलग से कवर करवाऊंगा। वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे स्टेटमेंट कवरेज है, तो आपके सोर्स कोड में जितनी भी स्टेटमेंट्स है, हर एक स्टेटमेंट को आप चेक कर रहे हो, इंटरनली चेक कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट अ स्टेटमेंट कवरेज। तो ये व्हाइट बॉक्स के अंदर आती है। ब्लैक बॉक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं डिसीजन टेबल की, वहां पे ऑल पेयर टेस्टिंग की, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की, विच वी विल डिस्कस वन बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियोस। Can be applied mainly at the unit. हाँ, ये भी important है, ये भी note कर लो। White box जो है, वो mainly आप कह सकते हो कि unit testing के time पे बहुत ज़्यादा heavily intensively use की जाती है।
क्यों? क्योंकि यूनिट टेस्टिंग पहला लेवल है। जब आपने एक यूनिट बनाया, एक मॉड्यूल बनाया, तो उसी को टेस्ट करना स्टार्ट कर दो, तो डेवलपर स्टार्ट कर देता उसी लेवल पे टेस्ट करना। बट ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन लेवल और सिस्टम लेवल पे नहीं होती। जब आपने मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया, बड़ा सिस्टम बना दिया, तब भी आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो कर सकते हो। लेकिन मेनली जो है वो यूनिट टेस्टिंग के टाइम पे इंटेंसिवली बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है। अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स की, तो ब्लैक बॉक्स जो है वो एक तरह से यूनिट पे भी आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन में भी कर सकते हो, सिस्टम में भी कर सकते हो, इवन लास्ट लेवल एक्सेप्टेंस। जब कस्टमर जो है वो आया प्रोडक्ट को लेने, अब वो टेस्ट कर रहा है, अब वो चेक करेगा कि क्या मेरे को इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, तो दैट इज व्हाट द लास्ट लेवल। तो ब्लैक बॉक्स जो है वो आपकी, जिसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ही आपकी जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू।